हेलो स्टूडेंट्स आप इंग्लिश में कितना ज़्यादा ग्रामर पोर्शन को सीख पाए हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं यानी आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है अगर आप बिना ग्रामेटिकली मिस्टेक किए हुए इंग्लिश को बखूबी अच्छी तरीके से लिख पाते हैं इसका मतलब है आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है और आप अच्छा राइटिंग स्किल्स बना सकते हैं आप अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं यहाँ इस वीडियो में मैं एक रिपोर्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और इस रिपोर्ट का टाइटल है ब्लड डोनेशन कैंप इस रिपोर्ट को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और समझने की कोशिश भी कीजिए एवरी ईयर आर स्कूल सेलिब्रेट्स द रिपब्लिक डे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो दिस ईयर द स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल सेलिब्रेटेड डिफरेंटली बाय डोनेटिंग दर ब्लड टू सेव द प्रीसियस लाइफ ऑफ द निडी मैन इन द बिगनिंग our director mr r.k gupta hoisted the national flag at 8 a.m he gave an inspiring but short speech to encourage the youth to work for the uplifting of modern india he told that india can be greatest and most prosperous country in the world if her people work honestly and laboriously he stressed that blood donation can help a dying man by donating blood the lamp of some house can be saved the happiness of some house can be saved and some children can be saved from becoming orphan and what is even more important is that by donating blood mutual enmity between humans is removed the political filth spread in the name of caste and religion gets a befitting reply and a love Increases. Therefore, it is the duty of every citizen who is physically healthy and capable to donate blood at least once in a year in his life. He was the first to donate his blood. Then, our principal, the members of the staff, and the students of senior classes stood in a line to donate their blood. It was the rare occasion. टू विटनेस आर प्रिंसिपल थैंक् चीफ गेस्ट एंड एपल्स वीब्यूटेड टू ऑल द फंक्शन की क्लोज विद द टून ऑफ नेशनल एंथम तो ये रिपोर्ट थी इंग्लिश में आइए इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में भी देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है एवरी ईयर आर स्कूल सेलिब्रेट्स द रिपब्लिक डे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो हर वर्ष हमारा स्कूल काफी हर्षोल्लाह के साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है दिस ईयर द स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल सेलिब्रेटेड डिफरेंटली बाई डोनेटिंग दियर ब्लड टू सेव द प्रीसियस लाइफ्स ऑफ द लेडी मैन इस वर्ष जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस रिपब्लिक डे को डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया और कैसे सेलिब्रेट किया अपने ब्लड को डोनेट करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसकी सख्त जरूरत है इन द बिगनिंग आर डायरेक्टर मिस्टर के गुप्ता नेशनल फ्लैग एट 8 एम इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो डायरेक्टर थे इस, इस पूरे फंक्शन के या स्कूल के जिनका नाम है मिस्टर आर के गुप्ता उन्होंने नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज को इनकरेज द यूथ टू वर्क फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया उन्होंने एक प्रेरणादायक किंतु एक छोटा भाषण यानी स्पीच दी और किस लिए दी इसलिए ताकि जो युवा लोग हैं उनको प्रोत्साहन किया जा सके उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके इसलिए ताकि वो भारत को और अधिक ऊंचाइयों जो मॉडर्न भारत है आधुनिक इंडिया है उसको ऊपर उठाने में वो हेल्प कर सकें ही टोल्ड दैट इंडिया कैन बी ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट प्रोस्परस कंट्री इन द वर्ल्ड इफ और पीपुल वर्क ऑनेस्टली एंड लेबोरेस्टली उन्होंने बताया कि भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रस्परस और महान बन सकता है अगर हमारे देश के जो लोग हैं हमारे देश की जनता है वो ईमानदारी से और मेहनत यानी कि परिश्रम से बिना आलस के वर्क करें ही स्ट्रेस्ट दैट ब्लड डोनेशन कैन हेल्प अ डाइंग मैन उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो ब्लड डोनेशन है वो एक मरते हुए जान को या एक मरते हुए जिंदगी को नया जीवन दे सकता है उसकी मदद कर सकता है बाय डोनेटिंग ब्लड द लैम्प ऑफ सम हाउस कैन बी सेव्ड द हैप्पीनेस ऑफ सम हाउस कैन बी सेव्ड एंड सम चिल्ड्रन कैन बी सेव्ड फ्रॉम बिकमिंग ऑर्फन ब्लड को डोनेट करते हैं जब हम तो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं यानी कि कईयों की, की जिंदगी सुधर जाती है हमारे ब्लड देने से यहाँ पे बताया गया है किसी घर का चिराग बुझने से बचाया जा सकता है किसी घर की खुशियाँ जो ख़त्म हो रही हो उस खुशियों को वापस लाया जा सकता है और किसी घर के जो बच्चे अनाथ होने वाले हों उनको अनाथ होने से बचाया जा सकता है उनके सर से माँ बाप का साया उठने वाला है तो उनके सर से माँ बाप के साय को उठने से बचाया जा सकता है उन बच्चों की जिंदगी और उनके माँ बाप की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है तो इस प्रकार से ब्लड डोनेट करने से हम कितना बड़ा पुण्य करते हैं जिसे सच्चा पुण्य कहा जाता है ये उन्होंने समझाया और ये बताया कि म्यूचुअल जो इससे भी बड़ी बात है उन्होंने बोला कि एंड व्हाट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाय डोनेटिंग ब्लड ब्लड डोनेट करके म्यूचुअल एनमिटी बिटवीन ह्यूमन इज रिमूव्ड मानव मानव के बीच में जो आपसी दुश्मनी है आपसी बैर है जो एक दूसरे को धर्म के आधार पर जाति के आधार पर या फिर ऊंच नीच के आधार पर या अमीरी गरीबी के आधार पे जो देखकर पनपती है नफरत की भावना उसको मिटाया जा सकता है शत्रुता की भावना को मिटाया जा सकता है द पॉलिटिकल फिल्थ स्प्रेड इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन गेट्स और जो राजनीतिक गंदगी है जिसके माध्यम से जाति और धर्म के आधार पर जनता में फूट डालकर वोटों की राजनीति की जाती है उसको एक करारा जवाब मिलता है और हमारे बीच जो प्रेम है वो बढ़ता है तेयर फॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन हु इज फिजिकली हेल्दी एंड कैपेबल टू डोनेट ब्लड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर इन हिज लाइफ इसलिए हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है यह परम कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में हर वर्ष अगर संभव हो सके अगर वो हेल्दी है फिजिकली हेल्दी है और सक्षम है तो उसे जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए ही वॉज द फर्स्ट टू डोनेट हिज ब्लड वह प्रथम व्यक्ति थे जो अपने ब्लड को डोनेट करने के लिए लाइन में आगे गए देन आर प्रिंसिपल द मेम्बर्स ऑफ स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर क्लासेस स्टूड इन लाइन टू डोनेट देयर ब्लड उसके बाद हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं स्टाफ के मेंबर्स हैं और सीनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक लाइन में खड़े हुए और अपने ब्लड को डोनेट करने के लिए आगे बढ़े तो इट वॉज द रेयर ओकेजन टू विटनेस ये जो दृश्य था जो मैंने अपनी आंखों से देखा ये बड़ा ही असाधारण दृश्य था और बहुत ही ए, मतलब मार्मिक रिपोर्ट थी और प्रिंसिपल थैंक्ड द चीफ गेस्ट एंड एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल हमारे प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा किया और जितने भी वहाँ पे पर्सन थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उन सब को एप्पल बांटे गए द फंक्शन केम टू अ क्लोज विद द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम और ये जो फंक्शन है ब्लड डोनेशन कैंप का फंक्शन ये नेशनल एंथम कि ट्यून के साथ एंड हुआ समाप्त हुआ तो इस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप संपन्न हुआ आई होप द रिपोर्ट विच आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड इट और ऐसे ही अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ए आर स्टडी सर्कल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जब कोई मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.